मुद्दा मेरे साथ। मुद्दे में मुद्दा बहुत अहम है क्योंकि जुड़ा है किसानों की हत्या के साथ या आत्महत्या के साथ। आत्महत्या है ये हत्या, समझने की जरूरत है। हम इस आत्महत्या को हत्या क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे भी कारण है, क्या मजबूरियां हैं, कौन है इसकी वजह, क्या कारण कि किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। वो किसान जो आपको अनाज देता है, वो किसान जो आपका पेट भरता है, वो किसान आज अपनी ही जिंदगी से हार रहा है, इसका जिम्मेदार कौन। सियासी रोटियां तो हर मुद्दे पर सेकी जाती हैं और जहां पर बात हो किसानों की वहां तो राजनीति एक अलग ही अंदाज में देखने को मिलती है, लेकिन किसानों की इन हालात का जिम्मेदार कौन, ये बड़ा सवाल है जिस पर आज बहस करेंगे। लेकिन नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। एक किसान जब आत्महत्या करता है तो वो खुद को नहीं मारता, उस किसान को कुछ भगवान मार देता है, कुछ सरकार मार देती है और कुछ जरूरतें उसका गला घोट देती है। जीवन लीला की इस जगह पर किसान के लिए अगर मगर जैसा कुछ भी नहीं। फसल और ब्याज के असल में दवा आज का किसान हर 32 मिनट में खुद से हार रहा है। सरकार कहती है हम किसान हितैषी हैं, लेकिन किसान कहता है मैं पहले भी अकेला था और आज भी अकेला हूँ। हरियाणा न्यूज आज धरती पुत्र के दर्द का पूरा विश्लेषण करेगा, विश्लेषण आत्महत्या के सरकारी वर्जन का भी और विश्लेषण किसान को पड़ने वाली प्राकृतिक मार का भी। अच्छे दिन आने वाले हैं सुना यही था, लेकिन क्या ऐसा कुछ भी हुआ जिसे हम अच्छा कह सकें। पहले खाद पर वाद, फिर स्वामीनाथन पर यूटर्न और अब ओलावृष्टि पर सरकार की कोलावरिटी। ओलावृष्टि ने किसान को बर्बाद कर दिया। 1 से 3 मार्च और 7 मार्च को आई बेमौसम बारिश में किसानों को भारी नुकसान हुआ। सरकार ने किसानों को भरोसा दिलाया कि वो उनके साथ है, पर शायद किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं रहा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसानों द्वारा आत्महत्या करने का सिलसिला बदस्तूर आज भी जारी है। कोसली गांव दड़ौली में 2 किसानों ने आत्महत्या कर ली। चौपट हुई फसलों को देखकर किसान रो पड़ा और अचानक दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। इसी तरह हिसार में भी एक किसान ने ओलावृष्टि के कारण बर्बाद हुई फसल के चलते आत्महत्या कर ली। उन्होंने खेती ठेके भी ली थी और बारिश और उसकी वजह से सारी फसल खराब होगी और एक ही जमीन खाली करवाने की नोटिस, इसलिए दिमाग में टेंशन है उसके। सरकार ने किसानों को मुआवजा राशि 30 अप्रैल तक देने का भरोसा दिलाया है, पर शायद किसानों को अब सरकार से कोई उम्मीद नहीं बची। विपक्ष मुआवजे का मजाक बना रहा है तो सरकार मुआवजे का मजाक बनने दे रही है। इस पूरे वाक्य के बीच नुकसान सिर्फ और सिर्फ किसान का हो रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो देश की लगभग 60% आबादी सीधे तौर पर खेती बाड़ी पर निर्भर करती है, लेकिन फिर भी कर्जे से तंग आकर किसानों द्वारा की जा रही खुदकुशी की दर में कोई कमी नहीं आई है। साल 1995 से 2011 तक 2,90,740 किसान कर्जे और गरीबी से तंग आकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर चुके हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो 2004 से 2012 तक 1,46,373 किसान कर्ज और गरीबी से तंग आकर खुदकुशी कर चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक औसतन 16,263 किसान साल में, 45 किसान रोजाना और हर 32 मिनट में एक किसान आत्महत्या करता है। इन तमाम आंकड़ों के आधार पर हम इतना जरूर कह सकते हैं कि आज तक की सभी सरकारों ने किसानों से हमदर्दी तो जताई है, लेकिन किसानों के लिए कुछ किया नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी सरकार द्वारा अगर किसानों को भलाई की सप्लाई की गई होती तो शायद आज आंकड़ों की हकीकत कुछ और तस्वीर बयां करती। बहरहाल मजबूत सरकार के सामने मजबूर किसान को संवारने की सबसे बड़ी चुनौती है, और क्या खट्टर सरकार अपनी इस चुनौती में पास हो पाती है, ये एक बड़ा सवाल है। भरत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
जी हाँ बिल्कुल, बड़े दर्द से ये समझने की जरूरत है कि अगर हर 32 मिनट में एक किसान आत्महत्या करता है तो इसका जिम्मेदार कौन। एनसीआरबी के आंकड़े हैं जो आपको दिखा रहे हैं, 1995 से 2012 तक तकरीबन 2 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं, फिर भी सरकार आंखें बंद करके बैठी है, कुछ हो नहीं रहा। आखिर इसका जिम्मेदार कौन? फिर हम ये आत्महत्या कहेंगे या हत्या कहेंगे, सोचिए, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं इन जिंदगियों से जुड़े हैं। अगर एक किसान की मौत होती है, अगर एक किसान अपनी जिंदगी को खत्म करता है, तो उसका पूरा परिवार उसके साथ खत्म हो जाता है, कई जिंदगियों की रफ्तार रुक जाती है, इसका जिम्मेदार कौन? ये बड़ा सवाल है। इसीलिए कह रहे हैं कि ये आत्महत्या है, ये हत्या। 2004 से अगर हम बात करें तो तकरीबन 1,96,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन? हर 32 मिनट में एक किसान अपनी जान गंवा देता है, फिर भी हम चुप हैं, हम खामोश हैं। सरकार कहती है कि हम मुआवजा देंगे और विपक्ष मुआवजे का मजाक बनाता है, इसका जिम्मेदार कौन? दोहरी मार झेलने को आज किसान मजबूर है, क्योंकि एक कुदरत की मार तो दूसरी सरकार की तरफ से अनदेखी। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर अनंत राम है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ सज्जन सिंह यादव हैं, भारतीय किसान यूनियन से हैं, आपका स्वागत है सज्जन जी। जिनसे हम किसानों की आज हालात क्या है समझने की कोशिश करेंगे, और हमारे साथ धर्मेंद्र यादव हैं बीजेपी से, आपका स्वागत है। सबसे पहले आपके पास आऊंगी सज्जन जी, किसानों को रिप्रेजेंट करते हैं, जो आंकड़े हम दिखा रहे हैं, आज जो किसान के हालात हैं क्या हैं? देखिए, आज क्या किसान तो शुरू से ही एक दयनीय स्थिति में है। कोई भी सरकारें आए, राजनीतिक रूप से तो लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया है किसान के नाम से। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि 85% भारत गांव में बसता है। हाँ। उस चीज को तो हर राजनेता बोलता है। हाँ। लेकिन उस 85% की सुध लेने के लिए कोई आगे नहीं आता है। हाँ। वास्तव में एक किसान स्वयं जिस मजबूरियों में जीता है, एक परिवार, एक व्यक्ति जो शहर में रहता है, मान लीजिए वो छोटे से रोजगार से भी पूरे परिवार का लालन पालन कर लेता है, लेकिन एक किसान रात और दिन परिवार के साथ भरसक प्रयास करने के बाद भी वो सब नहीं ले पाता कि उसे 2 जून की रोटी तो मिले। अच्छा, मिस्टर यादव ये जानना चाहूंगी, अभी देखिए अगर हम आंकड़े देखते हैं तो हर 32 मिनट में एक किसान मौत को गले लगा रहा है। हरियाणा की अगर हम बात करें, सबसे संपन्न प्रदेश कहा जाता है, यहाँ पर भी किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, जो आज के हालात हैं। आपने देखा कि किस तरह से 2 जगह की घटनाएं 3 जगह की 3 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। कई बार ये होता है कि एक को देख के दूसरा भी उस प्रेशर में वही कदम उठाने के लिए चल पड़ता है, और फिर हम देखते हैं सिलसिलेवार इस तरह की घटनाएं बढ़ने लगती हैं। ये किस तरह का एक जो माहौल है ये पनपने लग गया है। अब अगर ये आत्महत्याएं हम देखें, आप इसे आत्महत्या मानेंगे या हत्या मानेंगे? देखिए, ये कदम कोई भी तब उठाएगा तब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। किसान को आरंभ से ही सरकार कोई भी हो, कोई रास्ता उसे नजर नहीं आता है। वो मजबूरी वश क्या करेगा? पिछली सरकारों को आप देखिएगा, जब बात आती थी 2-2, 4-4 रुपए के मुआवजे मिले थे। मैं बैठा हूं किसान, मुझे 17 रुपए का मुआवजा मिला था। यदि इस तरह की कोई बात, आज मान लीजिए ये जो हमारी आज जो सरकार है खट्टर जी की, ये बोलते हैं हम मिनिमम 500 रुपया मुआवजा देंगे। मैं ये कहता हूं कि यदि 500 रुपया मुआवजा ये सफिशियंट समझते हैं तो केवल इसलिए कि पिछली सरकारों ने 5 रुपया मुआवजा तय किया था। हाँ, आप बने रहिए, मेरे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। जी राजेश, कहिए क्या कहना चाहेंगे। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार जी। सर, मैं मेरा मानना ये है कि किसानों के जो हालात है आज के दिन। हाँ। वो हालात सिर्फ बीजेपी सरकार के कारण है। हाँ। क्योंकि मैं बीजेपी सरकार ने इतने वादे किए हैं। हाँ। और आज तक एक भी वादा पूरा नहीं किया इन्होंने। हाँ। चलिए बेहतर स्वामीनाथन जी, आपने सही कहा राजेश, जो आप कह रहे थे कि जितने वायदे किए हैं वो पूरे नहीं हुए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात आप कह रहे थे, आपके दर्द को हम समझ रहे हैं। वरुण है अंबाला से, बताइए वरुण।
ऐसा मैडम जी, इसमें किसी सरकार का कोई दखल नहीं है, ये तो कुदरत ने एक ऐसा कहर डाल दिया कि जो बरसात हो गई, ओला पड़ गया, ओलावृष्टि से ये जो किसानों बेचारों की हालत खराब हुई है, इसमें किसी कुदरत का जो कसूर है, बाकी तो सरकार का चाहिए उनको मुआवजा दे और उनको मेंटली जो है किसानों को थोड़ा सा चलिए बेहतर बेहतर वरुण जी अपनी बात रखने का। आप कह रहे हैं सरकार नहीं, कुदरत की मार झेल रहे हैं किसान, मुआवजा दे, लेकिन बात वही मुआवजे की आती है कि अभी यादव जी हमारे साथ है जिन्होंने कहा कि खुद इन्हें 17 रुपए का मुआवजा मिला था, तो ये मजाक भी जब एक किसान के साथ होता है शायद उसे बर्दाश्त करना बेहद मुश्किल हो जाता है। हमारे साथ एक और कॉलर है। जी नमस्कार। जी जी नमस्कार, बताइए। मैं पानीपत जिले से बोल रहा हूँ। जी जी कहिए मैडम जी। बात ऐसी, हम एक तो कुदरत की मार से परेशान है। हाँ। एक हमारे गांव 5-7 गांव जिले के मशहूरों ने इतना तो मचा रखा है कि जी बाप आके अपने रिपोर्टर भेजो जी। हाँ। बिल्कुल फसल तहस नहस कर दिया सूरों ने। अतः हम डीसी साहब से, सीएम साहब से, एमएलए साहब से, एमपी साहब से, सभी से मिल लिए हैं, हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा। जी बेहद शुक्रिया कॉल करके अपनी बात रखने का, आपके दिल के दर्द को हम बखूबी समझ रहे हैं। चलिए इसी बीच हमारे साथ दलबीर धनखड़ इनेलो से जुड़ गए हैं। दलबीर जी आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले बीजेपी के पास आऊंगी। धर्मेंद्र यादव जी, सरकार की बात अभी मिस्टर यादव ने भी कहा कि कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं वो उस हिसाब से किसानों के लिए नहीं कर पा रही है, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हाँ। ने जो वादे किए हैं उन पे 100% खरा उतरने की पूरी कोशिश रहेगी। हाँ। और आज से पहले हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने स्वतंत्र रूप से ना ही तो कोई सरकार चलाई है अपनी। हाँ। आज पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान पहले बार फसल उठेगी। हाँ जी हाँ जी। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार सरकार बनी है इसलिए तो उम्मीदें ज्यादा हैं। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। खरी का उतर रही, आप पहले मेरी बात तो सुनिए। आप पहले मेरी बात है तो आप ये कहेंगे कि या तो आप अपनी कहिए या मेरी सुनिए। 5 बार और इंतजार करेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्लियर तौर पे कहा है कि 10,000 रुपए तक का हम जो मुआवजा देंगे और किसानों का जो बिजली का बिल है 1 साल तक का वो माफ करेंगे। वो नहीं करेंगे जो कांग्रेस ने किया के 2-2 रुपए के चेक बटेंगे। हाँ। उस चेक को लेके आने के लिए भी किराया लगता है और जमा कराने जाने के लिए भी। वो नहीं करेंगे हम। हाँ। वो नहीं करेंगे। हमारे साथ नरेश शर्मा भी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। नरेश जी आपका स्वागत है, पूर्व विधायक रहे हैं। दलबीर जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं इनकी बात पर, फिर कांग्रेस पे चलेंगे क्योंकि इन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरह नहीं करेगी बीजेपी। नवजोत जी, बड़ी हंसी आती है भारतीय जनता पार्टी की बातें करते। मैं आप सबको बताना चाहूंगा, महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, सेंटर में तो सरकार हो आज 10 महीने प्लस हो गए हैं, महाराष्ट्र में इनकी सरकार है और वहां किस तरह से सरकार बनी थी वो बातें आज नहीं हो रही, आज किसान की बातें हो रही है। सबसे ज्यादा मुद्दे आज भी महाराष्ट्र में, लेकिन अब तो हरियाणा में भी। मैं वही आ रहा हूँ, मैं वही आ रहा हूँ, इनकी करनी और कथनी की बातें कर रहा हूँ। बात जहां तक फसल आने की कह रहे, पहली फसल मेरे ख्याल से यादव साहब को पता नहीं, पहली फसल इनके समय में कपास आई थी और आधी फसल इनके समय में धान आया था। धान की क्या दुर्गति हुई है, कांग्रेस ने इन्होंने जो मिलके की थी वो आधी फसल दोनों की थी। कपास आई थी, कपास का उठाने वाला कोई नहीं था। उसके बाद गन्ने की क्या हालत आज सबको पता है। आप मानोगे नहीं, गिरदावरी अभी तक नहीं हुई है पूरी। हाँ, अगर ये कह रहे हैं, आपने सुना भी होगा टीवी पे, मैं तो कह रहा हूँ फोन करके बात कर लो, अगर गिरदावरी की ये लोग बात करते हैं तो गलत करें, गिरदावरी तक पूरी नहीं हुई है। और आपको पता है उसके बाद भी जो 31 तारीख इन्होंने रखी थी उसके बाद भी कितनी भयंकर बारिश और ओलावृष्टि हुई है। 200 रुपए के चेक कांग्रेस की बातें करते हैं, आज 200 रुपए के चेक भी इन्होंने बांटे हैं। मानता हूं वो सूखे का मुआवजे के चेक हैं, कांग्रेस के समय में गिरदावरी हुई होगी, सब कुछ होया होगा, चेक तो सरकार के हाथ से बटे हैं ना। ये इतने हितैषी थे, ये इतने ही किसानों के हितैषी थे, कम से कम उन चेकों को देख के। हाँ, उनको रोक के। हाँ, दोबारा गिरदावरी करा लेते, कोई सिस्टम तो बनाते तो किस तरह किसानों की बात कर सकते हैं। ये किसानों की बात नहीं कर सकते। बड़ा सवाल है, किसानों की आज के हालात का जिम्मेदार कौन है? किसानों की आत्महत्या है या हत्या है या उन्हें मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है? लेकिन हम अपने सभी किसान भाइयों से हरियाणा न्यूज यह अपील करता है कि आप बिल्कुल भी इस तरह का कदम ना उठाएं। मुश्किलें जिंदगी में आती हैं, लेकिन कोई भी मुश्किल आपकी जिंदगी से बड़ी नहीं हो सकती, तो हिम्मत रखिए। जी नरेश जी, देखिए हम स्वयं किसान के बेटे हैं। हाँ। और अपने हाथ से कृषि की है और खेत में काम किया है और जितनी भली बात हम किसान के दर्द को समझ सकते हैं, शायद ही कोई
साथी और ना समझ सकते हो जिस उन्होंने कृषि नहीं की हो। अब मेरे माननीय साथी भारतीय जनता पार्टी की बात हो रही थी और पहली बार मेरे दोस्त बोल रहे हैं कि फसल उठेगी भारतीय जनता पार्टी आने के बाद में, और राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी है। और मैं ये कह रहा हूं बड़े दुख के साथ, ये बहस की बात नहीं है, ये किसान के प्रति आज सच्ची भावना से काम करने की बात है कि आज किसान की फसल नहीं उठ रही। किसान का जरा सा उठ रहा है, 10 साल आपकी भी सरकार रही थी, किसान को तभी 2-2 रुपए के, ये 17 रुपए का चेक किले मिला था जो मेरे पास बैठे। रुक जाइए सज्जन जी, यहाँ बैठे सज्जन जी, कितने रुपए का चेक आपको मिला था? मैडम मुझे 17 रुपए का जो मिला था तो ये कहा गया था कि मेरी कोई अप्रोच है जो मुझे 17 मिला, वरना 2-3 रुपए मिलते थे। ऐसे तो 5 रुपए का मेरे तो अकाउंट में विधानसभा के पटल पर भी आज गोपी चंद गहलोत जी ने 2 रुपए और 3 रुपए के चेक रखे हुए, 1 रुपया 2 रुपए के चेक चाहिए आज भी विधानसभा में रखे हुए। नंबर एक सज्जन जी, एक मिनट आप मुझे बताइए, 2 रुपए का तो जिसको मिला होगा मैं उसके हालात समझ, जब मैं क्योंकि आप यहाँ बैठे हैं कई हजार लोग आपको देख रहे हैं, जब वो 17 रुपए का चेक आपके हाथ में आया था क्या फीलिंग्स थी आपकी, क्या महसूस किया आपने कि क्या ये है? उससे बड़ा वो शोषण किसान का हो नहीं सकता था, इनको नहीं पता क्या कहना, मजाक इनको रात हो नहीं सकता था कोई भी किसी तरह का मजाक, जो मजाक के अंदर किसानों के साथ किया गया था नरेश जी, जो किसानों के साथ इनको नहीं पता क्या कहना है, जो किसानों के साथ मजाक किया गया था। 70,000 नरेश जी, मैं उन सभी हजारों लाखों किसानों की बात कर रही हूँ जो आज इस दर्द की घड़ी में है, क्या आप उनको जस्टिफाई करते हैं? कैसे आप जस्टिफाई, आपकी पार्टी तो किसानों के मुद्दे पर अलग अलग राजनीति कर रही है। 70,000 करोड़ रुपए देश के किसान के किसी ने माफ किए थे? 70,000 करोड़ रुपए सुनो रिकॉर्ड पे है देश का। मैं एक डाटा दूंगा, 70,000 करोड़ रुपए सर, प्रोफेसर साहब एक डाटा, एक मिनट मंदिर आपसे मांग रहा हूँ। नवजोत जी बड़ी शर्म की बात है, जब से देश आजाद है सबसे लंबा राज कांग्रेस ने किया है, 34 घराने 34 औद्योगिक घराने ऐसे हैं जो 1,00,000 करोड़ रुपए सरकार का खाए बैठे हैं। आज 1,00,000 कितने घराने रोल कर रहे हैं? मैं बता रहा हूं, मैं स्टेट पर कितने सर, मैं सेंटर एक मिनट सुनो, मैं किसान की बात, मैं किसान की कह रहा हूं, 1,00,000 करोड़ रुपए आज किसान को 1,00,000 करोड़ की जरूरत है, कुल 34 लोगों खाए पड़े देश का कैसा, और ना भारतीय जनता पार्टी ने उनके बारे में सोचा ना कांग्रेस ने उनके बारे में सोचा। नंबर एक, नंबर दो, भारतीय जनता पार्टी जब डीजल पेट्रोल के भाव कम होते नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ये मेरी किस्मत है, किस्मत वाले के साथ चलो, आज कह रही है किसान की किस्मत अगर रोड़ा पड़ा है बारिश पड़ा है, बड़ी शर्म की बातें हैं ये, बातें करने के लिए प्रधानमंत्री जी बातें करते हैं। अनंत राम जी, आज जो किसानों के हालात हैं, जिस तरह से किसान फिर से आत्महत्या की राह पर चल पड़ा है, क्या कहना है आपका? देखिए तीन बातें इसमें समझनी बड़ी जरूरी है और वो बड़े विवेक के साथ मैं कह रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि जोत हो गई है बिल्कुल छोटी, उसमें औजारों से जिसको आप ट्रैक्टर कहते हो दूसरी कहते हो, हर किसान उसमें खेती करने के समर्थ भी नहीं है। दूसरी बात, चाहे वो उर्वरक हो, चाहे बीज हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, उसकी कास्ट इतनी आ गई है कि अब खेती करना कोई लाभप्रद व्यवसाय तो रहा नहीं, ये एक मजबूरी रह गई है किसान की। और किसान को मैं डिफाइन करता हूँ अनस्किल्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, सेल्फ एम्प्लॉयड लेबर। अब ये जो बात कर रहे थे, अभी 70,000 करोड़ की बात की, वो देश की बात कर रहे थे, बात सिर्फ हरियाणा के लिए क्या दिया, उसके चेक निश्चित रूप से जो कह रहे थे 200 के चेक 100 के देख, मैंने देखे खुद 70 अच्छा, रुपए के चेक अच्छा, वाले तो यहां अच्छा, साथ अच्छा, अच्छा अच्छा। दूसरी बात, अब रही बात बीजेपी की, बीजेपी ने अब 3 कैटेगरीज बनाई है मैडम, मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ कि एक तो जिनका 26% से 50% है उनको तो 5,000 मिलेगा, जो 50-51% से और 75% तक हैं उनको है इनका 7,000 मिलेगा, और जिनके पूरी नष्ट हो गई है उनको 10,000 मिलेगा, ये इन्होंने की है। आज के संदर्भ में ये कोई उचित मुआवजा नहीं किया जा सकता, नहीं दिया अच्छा और कहा जा सकता अच्छा नहीं और मुआवजा मिलेगा अच्छा। और आज आपने एक बड़ा अच्छा मुद्दा उठा कि क्या वो आत्महत्या कर रहे हैं कि वो हत्या हो रही है उनकी, उसके तीन कारक हैं उसके मुख्य है, हत्या इसलिए हो रही है कि वो जीकर करेंगे भी क्या, कि उनके सारी आशाएं इस खेती पे, ये ठीक हो रही थी पहले उनकी कपास पिटी, फिर उनका धान पिटा, फिर अब जो है उनका गेहूं पर आस लगाए बैठे थे, सरसों पर आस लगाए बैठे थे, उसका ये हाल हो गया कि 31 तो इन्होंने डेट रख दी, मुआवजा भी देना है समय सर तो दो,
मुआवजा उचित दो, समय सर दो, दो बातें मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल आपने बहुत इम्पोर्टेंट कहा, मुआवजा दो, समय पर दो, उचित दो, तभी शायद उनके जख्मों पर मरहम लग सकेगा। ऐसे तो जख्मों को और कुरेदने की कोशिशें की जा रही हैं। कवरपाल है हमारे साथ एक कॉलर झज्जर से। जी कवरपाल जी बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि किसान की फसल उगाने तक का खर्च लगा के और उसको जी मैं ये कहना चाहता हूँ जी किसान की फसल उगाने तक जो खर्चा लगता है उस पर प्रॉफिट रख के आप मार्केट में उसका पैसा दिवाओ किसान को, कभी भी आत्महत्या नहीं करेगा किसान। चलिए बेहद बेहद शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। आप क्योंकि किसान नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे मौजूदा हालात, क्या सभी राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेक रहे हैं, किसानों की मुश्किलों का हल करने के लिए कोई भी उस तरह से एफर्ट नहीं कर रहा? गंभीर नहीं है। देखिए किसान अनाथ है और आज उसे बेचारा की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया गया है। अभी एक मेरा भाई बोल रहे थे कि इतने करोड़ रुपया माफ किया गया है। देखिए एक चाल चली गई थी ये पिछली सरकार के दौरान में भी कि किसान को एक उद्योग का दर्जा दिया गया, खेती बाड़ी को कि उद्योग का दर्जा, उधर उद्योग जो थे वो उद्योग की कैटेगरी में थे ही थे। उसके बाद जो उन उद्योगों को खुश करने के लिए, उद्योगपतियों को जो कुछ फायदा पहुंचाने के लिए उनको बेनिफिट दिया, जैसे ये बोल रहे थे, वो लिख दिया गया ये कि किसान को दे दिया, खेती बाड़ी को दे दिया, क्योंकि खेती बाड़ी और उद्योग को मिला के उद्योग का दर्जा कह दिया गया। आपको लगता है कि किसान को तो सिर्फ ठगा गया है, सभी पार्टियों ने ठगा है। ठगने के बाद आज इस स्थिति के ऊपर किसान आ गया है कि किसान कहते हुए भी वो ये बात का ये सोच रहा है कि मैं किसान कहता हूँ तो मेरे बारे में ये भ्रांतियां आएंगी कि मेरे से अपाहिज, मेरे से लोअर कैटेगरी का कोई और व्यक्ति हो ही नहीं सकता। और रोटियां सेकने का जहां तक ये सवाल हो गया है, ये बड़ी शर्म की बात है कि राजनीतिक पार्टियां किसान के नाम से राजनीति करती हैं। अरे किसान को उसका पूरा हक दे दो, कम से कम उसके तो आगे पीछे कोई नहीं है। जी चलिए एक हमारे साथ किसान है, कॉलर मोनू है, वो जुड़े हैं। मोनू बताइए क्या कहना चाहेंगे। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार मोनू है, मैं खरखोदा से बात कर रहा हूँ। हाँ। मैं जो कांग्रेस के बैठे हैं आपके यहाँ नरेश जी, उनसे जानना चाहता हूँ कि पिछली सरकार के अंदर जो चेक बनाए थे, जो आज दो दो रुपए, दो दो सौ रुपए के चेक बट रहे हैं, वो अगर पिछली सरकार में बट जाते तो ठीक रहता। आज जब सरकार, ये बीजेपी सरकार उन चेकों को बांटने का काम कर रही है तो हर एक आदमी को दिक्कत हो रही है उस विषय को लेकर के। अगर आज उन चेकों को नहीं बांटा जाता है तो वो जो चेक बने हुए हैं, पैसा पड़ा है जिसका ब्याज और लोग खा रहे हैं, उनका क्या होगा? जी चलिए मोनू बेहतर, उसका उसका जवाब भी नरेश जी से लेंगे। एक और किसान है राम निवास जी, बताइए। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि यहाँ झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस्लामगढ़ में अभी तक पटवारी ये बोलता है कि यहाँ का कोई मतलब हमारे पास कोई समाधान नहीं आया है, और आपका यहाँ का जो है ना 12% 25% जिसकी खेत बिल्कुल खेती जो खत्म हो गई है उसके बारे में बोल रहे हैं। चलिए बेहद शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए, और आपका दर्द हम यकीनन समझ रहे हैं। इसीलिए सभी जितने नेता यहाँ बैठे उनसे ये सवाल है कि उनकी बातों को समझिए, किस कितना परेशान है एक आम किसान। पहले नरेश जी के पास आऊंगे। नरेश जी, एक कॉलर ने ये सवाल किया आपसे कि आपके टाइम पे बने हुए चेक है बट बीजेपी में रहे तब भी आपको दुख हो रहा है। उस साथी को स्पष्ट रूप से ये बताना चाहता हूँ हाँ। कि हमारे को आपत्ति नहीं है हाँ। क्या दे रहे हैं हाँ। हमारे को आपत्ति ये है हाँ। कि किसान को उसके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए उचित राशि दी जाए। आपकी के, आपकी हाँ, मेरा सवाल, 10 साल आपकी सरकार थी, आपने वो जख्म दिए, आज आप दूसरे को कह रहे मरहम लगाइए। ये तो आर्टिफिशियल एक दो एग्जांपल लेके बैठे हैं। आर्टिफिशियल कैसे? सबूत के आधार पर नहीं है ये। कमाल करते हैं, दो दो रुपए के चेक, एक मिनट नरेश जी, नरेश जी सबूत देखना हो तो 2 रुपए के चेक का सबूत हम दिखाएंगे आपको। मेरी विधानसभा में 17 रुपए का चेक दिखाओ ना, कहां है विधानसभा के पटल पर? क्या नरेश जी
विधानसभा के पटल पर रखे हुए हैं। वरना विधानसभा में मैं किस लिए आपको दिखाने के लिए, आप जब जनता देख रही है। आपने एक बात और कही थी कि हमने 70,000 करोड़ रुपए लोन बनाने से काम नहीं चलता, रखो कुछ है तो आप कह रहे कि लोन माफ कीजिए। आप इन प्रवक्ताओं को छोड़िए जो पार्टी से, वो तो है ना, वो कह रहे हैं कि मेरे को 17 रुपए का चेक मिला, मेरी पासबुक में इंट्री है, पासबुक की एंट्री तो मुमकिन नहीं हो सकती। मेरी पासबुक में है, मतलब वो झूठ बोल रहे हैं, वो तो अकाउंट पे चेक मिला है, अकाउंट पे चेक मेरी पासबुक में दर्ज है, अरे कोई सबूत नहीं है नरेश जी, किसी पार्टी से संबंधित है, रुक जाए, उनके नेता देख रहे होंगे, मनगढ़ंत बातें बना रहे हैं। एक मिनट, एक मिनट, अभी हाल ही में जो चेक इतने बटे हैं, जो हमारे पास विजुअल्स भी आए हैं, सबूत मैं दूं कहो तो मैडम, कि हमें 2-2 रुपए के चेक दिए उनके, मैं कुछ याद दिलाऊं जी, अगर आप कहो तो, कौन कह रहा है, कहाँ दिए, आप इजाजत दो तो मैं याद दिलाऊंगी। ₹17 के चेक का मैं बैठा हूँ, मेरी पासबुक में दर्ज है, मखौल बना रखा है, किसानों का खिलौना बना रखा है, बातों को छुपाकर शर्म आनी चाहिए। अगर कहो तो मैं याद दिलाऊं उनको, याद दिलाऊं किसान का गड़ा घोंट कर रखी है, एक सारा झूठ बोल हो रहा है, शर्म तुम्हारे को आती है, आज से शर्म है ही नहीं, शर्म तुम्हारे से शर्म आती है, शर्म भी तुम्हारे से शर्म है, शर्म तुम्हारे को है ही नहीं, देश को कब किसान मजदूर की बात करते थे, शर्म और स्वामीनाथन आयोग की लागू करने की बात मैंने की थी, काम आंदोलन किसने किया था, आपने किया था, किसानों के साथ हमारे साथ एक, और अगर तुम्हारे को हम मजाक नहीं उड़ाते, तुम्हारे को अगर तुम्हारी याद वादे याद दिलाते हैं और तुम हमारे को झूठा बोलते हो, हम करके उनको कहने के लोग कैसे हैं, और बार बार बोलेंगे की तरह नहीं है, तुमने देश के साथ एक कॉलर है सत्यवान जी, किसान को ठगा है तुमने, सत्यवान जी जो कह रहे कि नहीं, कांग्रेस सरकार भी कह रही पीछे सोके में सूखा गिरा, किसान कितना मारा गया है, उस टाइम भी क्या किया कांग्रेस सरकार ने, और रही बीजेपी की बात, अब बीजेपी ने जो अब तक गिरदावरी तक नहीं कराई, तो अब जब फसल कट जाएगी तब गिरदावरी, तब क्या होगा कि फसल सबकी ठीक थी, सब तो कोई किसान मरा नहीं है, अब ये गिरदावरी ये सब राजनीति कर रहे हैं, और किसान को मिलने वाला कुछ नहीं है, किसान को मिलेगा तो केवल आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएगा किसान, और कुछ नहीं होगा किसान के पास में, ये सब सरकार अपनी राजनीति कर रही है, लोग लोग कह रहे हैं, उनकी बात का जवाब तो दीजिए, सबको झूठा कह रहे हैं, लोगों की बात का जवाब कुछ नहीं कर रही, लोग ये कह रहे हैं, लोग तो कह रहे हैं कांग्रेस राजनीति में लूट रही है, तब तक इनके कब तक एक दूसरे पर ब्लेम करते रहेंगे, और किसानों की बात खत्म नहीं गई आज तक, ऐसा सर्वे नहीं हुआ आज तक, सुनिए, और ये कह रहे 15 तारीख तक, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने पटौदी में क्लियर रूप से कहा है कि मेरी बेंगलोर में माननीय प्रधानमंत्री जी से बात हुई है कि 10,000 रुपए कम है, कृपा करके इसको बढ़ाने का कष्ट करें, ताकि हम लोगों की गिरदावरी करा कर उनको पूरा मुआवजा दे सकें, कांग्रेस के हम अपने वादे के प्रति, ये 15 तारीख तक हम गिरदावरी करने के लिए स्टाफ को भेजेंगे, 15 तारीख तक आज किसान के पास इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, भाई साहब ऐसा नहीं है, अपनी बातों को दबा नहीं सकते, उसको समय के चक्कर में कांग्रेस के कुकर्मों को दबा नहीं सकते, कुकर्म तो आप कर रहे हैं, झूठ बोल के राज हथिया लिया, क्या किसानों को इससे कोई राहत मिलेगी जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा जी? आप सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि किस प्रकार से किसान के साथ जो कुछ जाति हो रही है वो पूरा देश देख रहा है, और यहाँ लेकिन उसके बाद ये राजनीतिक दल, ये राजनीतिक दल किस तरह से पैरों से कुचल रहे हैं उस किसान की आत्मा को, इनको शर्म आनी चाहिए कि ये किसान क्यों, किसान आत्महत्या यदि कर रहा है तो वो अपनी तरीके से, अपनी मजबूरी से, अपने उस सिस्टम से, लेकिन राजनीतिक दल किस तरह से उनकी लाशों के ऊपर से गुजर रहे हैं, ये इनको शर्म इस बात की नहीं आती है, क्या हो रहा है इस बात को लेकर। नरेश जी हमारे पूर्व विधायक हैं और वो पिछली सरकार में विधायक थे, सूखे के दौरान आप सबको याद है चुनाव का दौरान था, उस टाइम सूखे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कही थी 3500 रुपए में सूखे के दूंगा और 500 रुपए में केंद्र से भी मांग करूंगा, 4,000 रुपए हो जाए। आज वही मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी 10,000 या 25,000 रुपए की बात कैसे कर रहे हैं, पहली बात तो यही शर्म आनी चाहिए इनको, नंबर एक। सुनो, इसमें आप भी बराबर के भागीदार हो, सूखे के जो चेक बने हैं इन्होंने तो मान लिया गिरदावरी उस टाइम करके बनवा दिया, आपने बांट किसी मत से दिए, किस मुंह से बांट के लोगों को दे रहे हो आप, मेरी ये समझ में बात नहीं आ रही, ये बन चुके उनको रोको, सरकार आपकी है, सेंटर में सरकार आपकी है, सरकार को वापस, सर यादव साहब, सर यादव साहब, सर यादव साहब, आप बरगला नहीं सकते अपनी बातों से, पैसा देते किसान को, आप अपनी बातों से बरगला नहीं सकते, बरगला नहीं रहे, मैं तो बात आपको बता रहा हूं, वही अपराध कर रहा है नवजोत, मैं सच बता रहा हूं, मैं जो बात कह रहा हूं सर, फकीर नहीं छुपती, अगर बगल बन गए थे तो आज बांटते किसने हैं, माफ कीजिएगा।
सभी प्रवक्ताओं से मेरा अनुरोध है कि मजाक ना बनाएं इस मुद्दे का। किसानों की जिंदगी से जुड़ा ये मुद्दा है, हम बहुत अहम बात कर रहे हैं कि ये आत्महत्या है या हत्या है। क्या यही रवैया आप लोगों का मजबूर कर रहा है? चलिए हमारे साथ राजवीर, मेरे साथ एक कॉलर है अम्बाला से, माफ कीजिएगा राजवीर जी, कहिए क्या कहना चाहेंगे आप जी। राजवीर जी हाँ बोलिए बोलिए। मैं हरपाल बोल रहा हूँ मैडम। हाँ जी हरपाल जी बोलिए। ये किसान ना वाले कुछ भी नहीं हो रहा, लग रहा ये ओड़े वाले पड़ गए जी सारे गए। जी और कोई मुआवजा ढंग से नहीं मिल रहा ना गलदावरी हो रही ढंग से। जी जी बिल्कुल आपके दर्द को समझ रहे हैं। हमारे साथ एक और कॉलर है सतीश, उनसे बात करेंगे। जी सतीश। हाँ जी मैडम जी। जी बताइए सतीश जी। मैडम जी मैं सतीश बोल रहा हूँ करनाल डिस्ट्रिक्ट से। हाँ जी सतीश जी। हाँ जी मैडम ये है कि ये जो असली दल समझे जो राज्य किसानों पर राजनीति करना छोड़ दे। हाँ। जो ये बीजेपी है और ये जो कांग्रेस जो ये बात करती है जी, इसको सिस्टम को ठीक करें, गिरदावरी ठीक कराए ताकि प्रत्यक्ष रूप से किसान उसका लाभ मिल सके। बेहतर बेहतर बेहद शुक्रिया सतीश जी। आप सुन रहे हैं एक आम इंसान की का दर्द क्या है, कि किस तरह से वो अपने दर्द को बयां कर रहा है कि ये राजनीति करना छोड़ दे। हर इंसान को ये समझ आने लगा है कि सभी राजनीतिक दल सिर्फ राजनीति करते हैं, किसानों के मुद्दे पर सिर्फ राजनीति हो रही है। नरेश जी आपके पास भी एक मिनट, पहले आप मेरा सवाल सुन लीजिए एंड माफी के साथ मैं ये चाहूंगी कि आप मेरे सीधे सवाल का सीधा जवाब दें। किसानों के मुद्दे पर आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मीटिंग्स करते फिर रहे हैं, AICC में आपकी मीटिंग होती है, आज आपको किसानों का दर्द समझ में आता है, आप उनके पास पहुंच भी जाते हैं उनका दर्द सुनने के लिए। अरे जब दो दो रुपए के चेक बटे थे तब उनका दर्द दिखाई नहीं दिया था, तब उनके आंसू दिखाई नहीं दिए थे, तब उनकी मुश्किलें दिखाई नहीं दी थी। आज कांग्रेस के दो धड़े अलग अलग किसानों के मुद्दे पर राजनीति करके अपने अस्तित्व को कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों में अपना हल ढूंढ रही है कांग्रेस जो इस वक्त वेंटिलेटर पे गई है। कड़वी बातें हैं, सीधा जवाब दीजिएगा, सीधा जवाब मैम। कांग्रेस के हजारों धड़े जन जन एक एक कार्यकर्ता किसान की आवाज बनकर बोल रहा है और इस सरकार को जगाने का काम कर रहा है। और मैं अपने माननीय साथियों से एक नम्र निवेदन और आग्रह करना चाहता हूं कि प्रदेश का किसान आपके चैनल को बड़े ध्यान पूर्वक देखता है और बड़ी गौर करता है उस पर और खुले दिमाग से आप किसानों की बात भी उठाता है आपका चैनल। तो मैं माननीय साथियों से और इन साथियों से भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और नेता से यह अनुरोध और आग्रह और प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरे साथियों आप अपना घोषणा पत्र उठाओ और भगवान आपको सद्बुद्धि दे और उसको पढ़ो और हमारे को झूठे साबित कर दो, पढ़ो उसको, ध्यान से पढ़ो, देखो उसको किसानों के लिए। राजनीति नहीं कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुमने क्या क्या वादे किए थे किसानों से। स्वामीनाथन आयोग दूसरों के वायदे याद दिलाने से पहले याद रखें आप खुद शीशे के घरों में रह रहे हैं, सबसे पहला पत्थर आप ही के घर पे पड़ रहा है। ना 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 माफ कीजिए नरेश जी, आज ना कहिए। मैडम जी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अभी माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी आई थी गुरावड़ा गाँव के पास में, जो व्यक्ति बिस्लरी का पानी पीता है और एसी के कमरों में बैठता है ना उसको किसान के दर्द का नहीं मालूम होता, आप जोड़ में उनको सभी को मालूम नहीं होता दर्द क्या होता है। और दूसरी बात अभी इन्होंने जो बात कही, मैं आपको एक बात ले जाऊंगा, आपने अभी एक बात कही थी नरेंद्र मोदी जोड़ पर दर्द माफ, आपका नेता जोड़ पर पानी पीता क्या जाके क्या बात कर रहे हैं? बहुत दुख की बात, बहुत दुख की बात, मेरी बात सुनिए। मछली का पानी पीना आपको एक बात पे लेके आप कौन सा पानी पीते हैं? आप एक बात कही, आपका नेता कौन सा पानी पीता है? गलत बात कर रहे हैं, पहले बात सुनिए आप क्या बात कर, आपने कहा कि हमने कर्जा माफ किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने मैंने बताया कि किसानों के बारे में बात कर रहे हैं हम 4% का। उनसे बात करूं, शमशेर जी कहिए क्या कहना है। नमस्ते जी। जी नमस्कार। इन नेताओं की बहस पूरी नहीं होगी जी, देश का किसान आज बर्बादी के कगार पर है। अब इतिहास में ऐसे ओलावृष्टि कभी नहीं हुई है जैसे अब की बार हुई है, और इस महीने में जितनी बारिश हुई है और जितनी ओलावृष्टि हुई है प्राकृतिक आपदा पर किसी का बस नहीं, और ये रिकॉर्ड तोड़ आपदा आई है देश के ऊपर। अब इन सभी राजनीतिक दलों को सद्बुद्धि आनी चाहिए, इन्हें बुला के और शुक्रिया शमशेर जी।
जिस दर्द से आपने अपनी बात रखी है, यकीन मानिए वो दर्द का हमें एहसास है, लेकिन बड़ा दुख होता है जब नेता सिर्फ और सिर्फ इन पर राजनीति करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी आपसे अनुरोध है कि इस गंभीर मुद्दे पर रहकर बात करें। सोनिया गांधी एसी में क्या करती है या नरेंद्र मोदी कहां बैठकर क्या करते हैं, उससे किसान को कुछ लेना देना नहीं है। कांग्रेस ने क्या किया और बीजेपी क्या कर रही है या विपक्षी दल क्या कर रहे हैं, मुख्य विपक्षी दल, वो लोग जानना चाहते हैं और असल में किसानों के साथ हो क्या रहा है वो समझने की कोशिश करें। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये बड़ा संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है। हाँ। इसको राजनीति में ना फंसाओ, कम से कम चैनल पे तो ना फंसाओ। हाँ, और वो, तो अच्छा, अच्छा, वो हो ही रही है, लेकिन एक और सुनो, इसमें इसलिए भी है, अब ये आत्महत्या का मामला जो है हरियाणा के दरवाजे पर आ गया है। पहले हम सुनते थे विदर्भ में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, आंध्रा में हो रहा है, अब ये इसके हरियाणा के दरवाजे पर आ गया है। कल हिसार के पास उसने आत्महत्या कर ली, दो यहाँ हत्या हो गई है, और अब भी हम इसको राजनीति के उसमें फरा रहे हैं। बड़े दुख की बात है, तीन किसान के दरवाजे पर पहुंच चुका है। आप कुछ कह रहे थे दलजीत जी? मैं नवजोत जी यही कहना चाहूंगा, राजनीति इस पर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सच्चाई है। घोषणा पत्र की तो आज बात ही नहीं करनी चाहिए, आज इमीडिएट हम क्या कर सकते हैं, सरकार क्या कर सकती है, हमारा कैसे योग विपक्षी दल का है, दूसरे विपक्षी दल का कैसा योग है। भारतीय जनता पार्टी, मैं वही कह रहा हूं, गलती कांग्रेस ने की है, चेक तो भारतीय जनता पार्टी ने बांटे, क्या उन चेकों को रोक के दोबारा बना सकते थे? वो, सारी पावर उनके वो पास तो एक बात होगी, आगे आगे इन किसान जो हालात है उनसे निपटे के लिए निपटने का एक रास्ता बताता हूँ, निपटने का बहुत छोटा और अच्छा रास्ता बताता हूँ। तकरीबन इस साल जो बारिश से 16 वर्ष से नुकसान हुआ, 1,00,000 करोड़ का नुकसान, 34 उद्योगपति मैं तो इस देश में ऐसे हैं जो 1,00,000 करोड़ रुपया सरकार का दबाए पड़े हैं, कि उनकी रिकवरी आज तक नहीं हुई, ना उनका बाल बक्का होया। किसान को तो 1 रुपया देने में भी सरकारें पता नहीं क्यों तंगी महसूस करती हैं, क्यों नहीं देना चाहती, जब तो हम पक्ष में होते हैं पैसा नहीं देते, विपक्ष में होते तो 25 से 30 हजार की बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी करते हैं, अपने समय में 3500 रुपए सुक्के के करके आज वही चेक मिल रहे हैं, वही चेक आज 200 200। मैं सज्जन सिंह यादव के पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरे साथ प्रहलाद है, एक कॉलर जी। प्रहलाद जी, प्रहलाद जी आप सुन रहे हैं हमारी बात? चलिए पीयूष है हमारे साथ, पीयूष क्या आप है मेरे साथ लाइन पर? और मैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर हैं सेंटर के, हाँ। उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं रहा, बाईपास जमीनें लेने का अध्यादेश दोबारा आएगा आप देखना, और जमीनें लेने का एक रास्ता साफ कर रहे हैं, अध्यादेश लेने का वजह यही है, सज्जन किसान बर्बाद हो जाए, जमीन अपना आप छोड़ के भाग जाए। आज किसानों को इस हालात से बाहर निकालने के लिए क्या होना चाहिए, आपको आप ये सोचते हो क्या करना चाहिए सरकार को इमीडिएटली? देखो इमीडिएट क्या है, पहले तो ये राजनीति बंद हो, किसानों को जैसे अभी हमने एक अपनी मांग रखी केंद्र सरकार से कि हमारी बात को सुना जाए और उस पर अमल किया जाए। कल ही भारतीय किसान यूनियन को कृषि मंत्री भारत सरकार ने समय दिया कि आप आइए और हमारी बात को सुनिए, अपनी बात को सुनाइए, हम आपकी बात सुनेंगे और जितना इम्प्लीमेंट होगा हम उसको करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि तत्काल प्रभाव से, जैसे मान लीजिए 10,000 रुपए की बात कर रहे थे ये, कि 10,000 रुपया पहले फिक्स था मुआवजा माना था, लेकिन उसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी। आज हमने अपनी मांग रखी कि हमारी समय सीमा निर्धारित हो, उन्होंने कहा इमीडिएट 1 मंथ करो, हमारे को ये एहसास हुआ कि हमें भटकना नहीं पड़ेगा, जो मिलेगा। अब मान लीजिए मैंने एक एकड़ जमीन 15,000 रुपए में किसी दूसरे से ले रखी है, मैं लैंडलेस हूँ, सपोज कोई भी किसान लैंडलेस है और 15,000 में उसे मुआवजा मिल रहा है 10,000 रुपए 8,000 रुपए, वो भी मिलेगा 6 महीने में, तो उसको 15,000 रुपए कहाँ से देगा जिस किसान जिसकी जमीन उसने ले रखी है। तो इसलिए इमीडिएट यदि रिलीफ मिल जाता है तो किसान को किसी हद तक इस बात का चैन मिल जाता है कि हमारे को सबर मिला। मैं इसके कुछ सकारात्मक उपाय बताता हूँ सरकार के लिए। पहली बात तो जैसे मैंने पहले कहा कि ये मुआवजा उचित होना चाहिए और समय सर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बड़ी बात ये कि ये सरकार का काम है कि अपने ऑफिसर के माध्यम से ये जो गिरदावरी आज भी, हाँ गिरदावरी आज भी नहीं हुई है, कभी 15 तारीख दी थी, अब उसको 30 कर दिया गया है सरकार की ओर से ही। तो ये क्या बात है, कब तक वो मरते रहेंगे, कितनों की बाट देख रहे हैं कि वो मर जाएं फिर हम चेक बांटेंगे। तो अब पिछली बातों उसने ये किया हम ये कर रहे हैं, वादों से होने वाला नहीं है, यथार्थ में करके दिखाई ये सरकार, और
पिछली सरकार ने भी किसानों के लिए कुछ नहीं किया, ये बिल्कुल सच्चाई है। ये जो 70,000 करोड़ की बात कर रहे थे पूरे देश की, और उसको हरियाणा पे लागू कर रहे हैं, और वो उन पर नहीं, वो उनको भी गया है उद्योगपतियों को उसमें से, और जिसको माफ कह रहे हैं आप, तो वो एक आंकड़ा यहाँ नहीं नहीं सुनो तो पूरी बात तो सुन लो, आपने ठीक कहा है वो माफ ही उद्योगपति का हुआ है, चीटिंग हुई है किसान के साथ, तो धोखा हुआ है किसान के साथ। छोटे भाई इसका मतलब 1,00,000 करोड़ रुपए की देनदारी, छोटे लोग मैं फिर वही बात कर रहा हूं, कोई दबाव नहीं है, को तो मौजा मिलता रही बात, सरकार ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 1,600 करोड़ रुपए जो सरकार नवजोत जी जो सरकार का फाइनेंस मिनिस्टर ये बात कहता है 61% लोग जो खेती करते हैं, जीडीपी में योगदान उनका 11% 12% है, कैसी बातें करते हैं, मैं तो ये समझ, वो देश का पेट भी तो भर रहे हैं, एक समय वो भी था देश में अनाज नहीं होता था, बाहर से मंगाना पड़ता था, जीडीपी की बातें करते हैं। मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा, आज अगर कर्जा माफ किसान का कर दिया जाए तो आधी जीडीपी में कम से कम 35-40% का योगदान होगा किसान का, क्यों नहीं कर्जा माफ कर देती भारत सरकार। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। यकीनन ये बेहद ही ऐसा मुद्दा है, ऐसा गंभीर मुद्दा है, क्योंकि किसानों की जिंदगी अब इसके साथ जुड़ी है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि भारत में एक तरफ किसानों को 2-2 रुपए के चेक बांटे जाते हैं, तो दूसरी तरफ हवाई यात्रा के दौरान मरने वालों को 75 लाख की जगह 90 लाख रुपए दिए जाते हैं, और वो मुआवजा भी इतनी जल्दी दे दिया जाता है, तो क्या हवाई जिंदगी ज्यादा कीमती है और जमीन पर रहने वाली जिंदगी की कोई कीमत नहीं? और वो किसान जो दूसरों का पेट भरता है, उसके अपनी ही जिंदगी की और उसके अपने ही परिवार की कीमत सिर्फ 2 रुपए? सोचिएगा जरूर, आपके कॉल्स का मुझे इंतजार है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल, हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलन कर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK इंटरनेशनल स्कूल, नर्चरिंग योर फ्यूचर टुडे। लार्जेस्ट कैंपस, मोर देन 1800 स्टूडेंट्स, वेल इक्विप्ड वर्कशॉप्स एंड लैब्स, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. We'll be right back.
आत्महत्या या हत्या, यकीनन एक बहुत बड़ा सवाल है और यकीन मानिए अभी तक मुझे उसका जवाब किसी ने भी, यहाँ बड़े मेहमान जो बैठे हैं, सीधा जवाब नहीं दिया है। राजनीति हो रही है वो आप समझ रहे हैं, अब इस राजनीति से आपको कैसे जूझना है इसकी हिम्मत भी आप ही को जुटानी होगी। हरियाणा न्यूज सभी किसान भाइयों से ये अपील करता है कि इस मुश्किल की घड़ी में खुद को संभालें और आत्महत्या जैसा कदम बिल्कुल ना उठाएं, क्योंकि परिवार आपके साथ जुड़ा है और आपकी जिंदगी कहीं ज्यादा कीमती है। ये बुरा दौर है, ये भी निकल जाएगा, संघर्ष करेंगे तो आप जीत भी जाएंगे, लेकिन जिंदगी हार गए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी और बहुत देर भी हो जाएगी। मैं आपसे मिस्टर यादव यही जानना चाहती हूँ, जब राजनीति हो रही है हम सब समझते हैं, आज भी कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर राजनीति कर रही है और अपने अस्तित्व को तलाश रही है, किसानों के मुद्दे को लेकर आज भी वो रैली करने की बातें कर रही है, बीजेपी कह रही है कि हम बड़ा रिलीफ लेकर आ रहे हैं, आपका क्या कहना है? नहीं, वो एक दूसरे की बात को दबाने के लिए अपनी बात को ऊपर रखना चाह रहे। तो 10 साल जब कांग्रेस रही तब, आज तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों के पास गए दर्द जानने के लिए, जब 10 साल सत्ता में थे तब आए थे, उनको कहने के लिए आज कुछ है नहीं, इसलिए वो इस बात के बीच में आ गए। वरना मैं पहले कह चुका हूँ ये बात कि 10 साल के अंदर जब किसान संगठन, हम जब वहां गए हैं उनसे मिलने के लिए, तो मिलने तक का समय नहीं दिया गया। चंडीगढ़ आ जाओ, चंडीगढ़ पहुंचते तो बोलो साहब तो रात को दिल्ली से ही नहीं आए। एक किसान जो 2 रुपया नहीं खर्च कर पाता है, क्या वो चंडीगढ़ जाएगा और उनके रेड़े फिर यहाँ आएंगे? केवल संगठन को कमजोर करने के लिए, उसे तोड़ने के लिए, उस विघटन की एक उन्होंने रूप तैयार किया इस तरह का। तो अब अच्छा, कभी सुनवाई हमारी नहीं हुई, कांग्रेस में सुनवाई नहीं हुई, बीजेपी की सत्ता जो बड़े वायदे करके आई, उसकी सत्ता में क्या मिल रहा है किसान को, वो भी जानना चाहेंगे आपकी नजर से। उसकी सत्ता में मांगने, हमने अपना एक मांग पत्र तैयार किया हुआ है, हमने वो सरकार के सामने रखा हुआ भी है। पीछे एजिटेशन हुए, इन्होंने जेलों में डाला, हम चले गए, कोई दिक्कत नहीं उस बात की भी। लेकिन उसके बाद हमने उनको एक बात रखी है कि हमारी बात को पहले आराम से बैठ के सुन लो। क्या सुना अभी तक? उन्होंने हमें कल का टाइम दिया है, कल का। तो आपको कल का इंतजार है, कितने दिनों बाद ये कल का आपको वक्त मिला है? काफी समय के बाद मिला। कितने समय बाद? ये सरकार बनने के बाद 6 महीना हो जाएगा। इंतहा हो गई इंतजार की, और कितनी इंतहा होगी इस इंतजार की, इसका आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं। यकीनन हमारे साथ सुभाष है सिरसा से, बताइए सुभाष जी क्या कहना है। सुभाष जी अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और बताइए जी। अभी मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता को कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता को कि वो हम एक तो जो 76 रुपए के जो चेक आए हुए हैं उनका हमारे पास व्हाट्सएप में, अगर स्टूडियो का व्हाट्सएप नंबर हो तो मैं उनको अभी भी दिखा सकता हूँ कि जो कांग्रेस 76 रुपए के चेक बटे हैं उनका ये। और मैं दीपक रानी का ये बताना चाहता हूँ कि बाढ़ में जो आज एक रैली हुई सीएम की, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात ये कही कि जो भी पहले चेक बटते थे वो परिवार के सदस्य के नाम जिसकी जमीन नहीं है और उसको अपने बहनों को और भी जो भी परिवार के सदस्य उनको बुलाना पड़ता है। सुभाष जी आपको कितने रुपए का चेक मिला था? 6 रुपए का चेक मिला। आप नंबर नोट कीजिए, उस नंबर पर आप अपने चेक की कॉपी जो है व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जो प्रवक्ता महोदय हमारे साथ बैठे कह रहे थे कि ऐसा कोई प्रूफ नहीं है उनको दिखा देंगे कि आपने कहा। हाँ? कितनी जमीन का? कितनी जमीन, जमीन पूछ रहे हो? हाँ बताओ। अभी जमीन पूछ रहे थे और आप ये देखिए लाइव दर्शक आपको कह रहे हैं, अब क्या आप इन्हें भी झूठा कह देंगे? अब आप वो वोटर जो आपको वोट देता है, आपको सत्ता तक पहुंचाता है, अब आप क्या उसे झूठा कहेंगे? जवाब दीजिए। नहीं, मैं झूठा क्यों कहूंगा उसको? फिर आप ये बताइए, जब वो कह रहा है मुझे 6 रुपए का चेक मिला, अब आप मानते हैं 6 रुपए के चेक मिले? इनके जब INLD और भाजपा की सरकार थी तो दो दो तीन तीन रुपए के भी मिले थे। सुनो सर, मैं दूंगा प्रोफेसर साहब,
इनको 6 रुपए का मिला, हमें 2 रुपए का मिला सर। हम यहाँ किसान है, सारे किसान बैठे हैं, कम से कम मजाक करने बैठे हैं। नवजोत जी दुख होना चाहिए कि इतने रुपए के चेक मिल रहे। नवजोत जी मैं दूंगा जवाब, मेरे को उंगली उठाई, मेरे पे उंगली उठाई, मैं जवाब कुछ नहीं करने के पास जवाब नहीं है। नरेश जी, नरेश जी है ही नहीं इनके पास, हम तो खुद किसानों के जवाब ही नहीं है। जवाब को आज हम सारे यहाँ बैठे हैं और ये हरियाणा के अंदर किसानों को मैं रुको, आज बुढ़ापा पेंशन चौधरी देवीलाल ने शुरू की थी, 100 रुपए पेंशन शुरू की थी, आज पूरे देश में लागू है 100 रुपए पेंशन चौधरी देवीलाल ने। ओड़ा पड़ गया था चौधरी देवीलाल ने, खेत की खेत के डोले पाके पैसे के पैसे कैसे बटवाए थे। आज कांग्रेस नहीं बोल रही, कांग्रेस बल्कि मैं किसान का देखता हूँ, मैं तो गलत बातें कर रहे हैं, और सुनो मेरे खुद के खेतों में मजा लेने जाते हो, मेरे खुद के खेतों में बात से किसानों का मजा नहीं लेना। अब किसान सामने आ गया तो नरेश नरेश जी बात से बोल रहे हैं, नवजोत जी आपके माध्यम से बता रहा हूँ, नरेश माफ कीजिए एक मिनट, सज्जन जी आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि जिस समय उन्होंने 6 रुपए की बात रखी, देखिए किसानों इतनी देर बात होने के बावजूद भी राजनीतिक दलों की ये समझ में बात नहीं आ रही कि आज तो किसानों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट कर दो। जो हो गया सो हो गया। उस भाई ने अभी जो दर्शक ने 6 रुपए की बात कही है और वो व्हाट्सएप कर भी रहा है अभी, उस बात को भी भाई ने मेरे ने इस तरह से लिया है कि इससे पहले तो दो दो के आते थे, यानी कि वही उसके ऊपर डाली जा रही है। एक बार चौधरी देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन की थी, लेकिन 1500 भी तो किसी ने की होगी हरियाणा में, और 1500 आपने कहा शुरुआत करी, पूरे देश में लागू हुई, पूरे देश में लागू हुई, पूरे देश में लागू हुई, करते ना सेंटर में सबसे ज्यादा सरकार कांग्रेस ने चलाई, इस बात का सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो कांग्रेस है। एक मिनट रुक जाइए सज्जन जी, अभी जनता पार्टी की तरह देश में किसानों की जो हालत है आज, पब्लिक की जनता की जो हालत है, रुक जाइए, आपकी जो कल मीटिंग है जी, उससे आपको कितनी उम्मीदें हैं सज्जन जी? अभी कोई उम्मीद नहीं है, अभी तो हम वहाँ जाने के बाद देखेंगे कि वो हमारी बात पे कोई लंबा समय, हमें लंबा समय नहीं चाहिए, हमें तत्काल राहत चाहिए। कौन मिलने जा रहा है, किसको मिलने? भारतीय किसान यूनियन है, सरदार गुरनाम सिंह हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं? नहीं नहीं, केंद्रीय कृषि मंत्री से, केंद्रीय कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री से, राधारमन से, हाँ राधा मोहन जी से, राधा मोहन जी से आपकी जी, कल की मीटिंग फिक्स हुई है जी, जी, अच्छा जी। आप ये बताइए आपके जो प्रदेश के नए कृषि मंत्री हैं उनसे आपको क्या उम्मीद है, वो क्या कह रहे हैं? उन्हीं के सामने हमने अपनी बातें रखी थी। हमारे प्रधान सरदार गुरनाम सिंह जी ने जितना संघर्ष वो पूरे प्रदेश भर में कर रहे हैं। आप ओपी धनखड़ जी का क्या कहना है, कृषि मंत्री का? ओपी धनखड़ जी के सामने हमने ये सभी बातें रखी थी। ये वही ओपी धनखड़ है जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू के लिए लागू कराने के लिए सत्ता में आने से पहले जिन्होंने बात पास किया था, कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, उन्हीं की अगुवाई में उन्होंने ही हमें समय दिलवाया। अच्छा, है ओके, अच्छा, तो हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री, क्या है कल मांग, क्या है आपकी, आपको लंबा समय नहीं चाहिए जी? और नहीं, हमारा सबसे पहले तो प्रदेश के अंदर मुद्दा एक स्वामीनाथन आयोग था, ओके, कि उसकी रिपोर्ट लागू हो, केवल हम उसी को लेके किसान हम अभी सड़कों पे आए थे। आज जो तत्काल हमारे साथ जो किसानों के साथ जो मार पड़ रही है और एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल को नीचा दिखाने के लिए कर रहा है, क्या मांग करने जा रहे हैं कल? हम एक तो ये है कि हमारे को तत्काल मुआवजा मिले। अच्छा, कि उन्होंने ये बात पहले हमारे जो प्रदेश के कृषि मंत्री ने एक आश्वासन दिया है कि जो कांग्रेस सरकार ने 10,000 रुपए का मुआवजा तय किया था वो एज इट इज होगा, समय सीमा हम फिक्स कर दी कि तत्काल देंगे, उसमें कोई समय सीमा नहीं थी। और केंद्र सरकार से यदि राहत मिल गई तो वो अलग से दिया जाएगा और उतने ही प्रतिशत हरियाणा सरकार देगी। तो ये उम्मीद लेकर अब हम ये चाहते हैं कि फिर केंद्र सरकार तत्काल जो राहत देना चाहती है उसकी घोषणा कर देकर, ताकि हमारा 10,000 का जो मुआवजा इन्होंने तय किया है वो जो 34% और 76% की जो बात थी तो वो उतना परसेंट फिर हमारे को जो हमारी कल वो राहत की बात दे देते हैं कि केंद्र की हम घोषणा करते इतने करोड़ रुपए हरियाणा को दे रहे हैं, तो वो हमारा फिर साथ के साथ मिल जाए 10,000 से बढ़ के। नहीं, मैं एक इसी से इन्हीं से पूछ रहा हूं। जी जी, देखिए आप बड़े अच्छे किसान नेता हैं, आपकी बात मुझे बड़ी ठीक लगी। मैं पूछ रहा हूँ जो 3 कैटेगरी सरकार ने बनाई आप उससे सहमत हैं?
जो ये बनाई है उन्होंने जो 25 से लेके ने और 50 तक जो है वो 5,000 देंगे और 51 से लेके और 75 तक वो देंगे 7,000 और उससे आगे 75% 10,000 तो क्या इस मुआवजे से इस मुआवजे से आपके किसान संगठन सहमत हैं और संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, जी बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। इसीलिए हम केंद्र से, अच्छा देखिए हमारे माननीय कृषि मंत्री जो हरियाणा प्रदेश है, उन्होंने जब ये बात रखी है कि इस मुआवजा से अलग हम यदि केंद्र सरकार देती है तो हम अलग से देंगे, वही हम मांगने जा रहे हैं। टाल भी दिए हैं वो तो, कल हम वही मांगने जा रहे हैं कि ये जो आप कह रहे हो रेशो की 5,000, 7,500 और 10,000 उसमें यदि हम उसी बात को मांगने के लिए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार तत्काल हमारे को राहत दे दे और हम हमारा ये मुआवजा बढ़ के फिर 10-15-20 ऐसे चला जाए। क्या ये जो मांगे अब रख रहे हैं जो जो सरकार कर रही है इससे किसानों को कोई राहत मिलेगी? मेरे पास वक्त की बात कमी है, मैं इसमें ये कह सकता हूँ, ये हाँ ये भी अगर समय सर इनको दे दी जाए और इसके साथ ही जो ऋण माफ की बात कही गई है इसके साथ बिजली के बिल माफ करने की यदि उनको वास्तविक में इम्प्लीमेंट कर दी जाती है किसान किसी हद तक मैं समझता हूँ संतुष्ट हो जाएंगे। आपको उम्मीद है कि ये जल्दी इम्प्लीमेंट? नहीं, ये तो मुझे तो उम्मीद है, कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। और 1136 करोड़ जो है ना मांगा है और उन्होंने सहमति भी दी है ये तो हम दे देंगे और अब ये कह रहे हैं कि इससे ज्यादा अगर और मिल गया तो और दे देंगे, यही कहा। जी 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 बिल्कुल जी। नरेश जी बहुत ही कम शब्दों में वक्त की कमी लग रही है कि पहले ये तो तय कर ले कब तक निष्पक्ष सर्वे हो रहा है किसानों का। आज किसान को 15 तारीख दी जा रही है, 30 तारीख दी जा रही है, वो बेचारा जो 2-4-5-10-20% उसको जो किसान का जो जिंस खेत में पड़ी है फसल उसको अपने घर ले जाने का काम करे या इनके सर्वे का इंतजार कब तक करता रहे? कितने महीने और लगेंगे मैम? चलिए दलबीर जी, जो ये कल मीटिंग हो रही है, जो राहत ये मांग रहे हैं, आपको क्या उम्मीद है उससे किसानों को राहत मिलेगी या सरकार का क्या पक्ष होगा? नवजोत जी, जिस तरह के हालात भारतीय जनता पार्टी ने अब तक रंग दिखाया है उससे मेरे को नहीं लगता, परंतु मैं तो ये कह रहा हूँ फौरी तौर पर इमीडिएट आम भर देनी चाहिए सरकार को। इससे अच्छा कर्म और काम जो अच्छे काम इन्होंने नहीं करे पिछले 10 महीने में सारा ढक जाएगा अगर ये काम ये कर दे तो, इससे बड़ा काम कोई नहीं हो सकता। चलिए बेहतर, आपका क्या कहना है धर्मेंद्र जी? मैंने जैसे पहले भी बताया कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है यही शब्द कि मेरी बात बेंगलोर में माननीय प्रधानमंत्री जी से हुई कि जो हम सोच रहे हैं उससे काम नहीं चलेगा किसानों का, हम चाहते हैं किसानों को और ज्यादा मिले, तो उस चीज के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हामी भी भर दी है जैसा कि यादव जी ने बताया और वो देंगे और एक मिनिमम समय के दौरान में ही दिया जाएगा, किसानों को दौड़ाया नहीं जाएगा। और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसान के साथ सुख में दुख में हर चंगे के एक लाइन में और जो कि इन असामान्य परिस्थितियों को देखते हुए हरियाणा सरकार को चाहिए कि केंद्र से विशेष पैकेज मांग के और सर मांगे था मना कर दिया, मांगे था वो तो मांगा गया था प्रधान मुख्यमंत्री की तरफ से, मांगा गया था मना कर दिया। 500 मैम किसान बर्बादी के कगार पर है, आत्महत्या कर रही है। कल तो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रधानमंत्री से बात हुई है, राहत कब मिलेगी? बड़े दुर्भाग्य की बात है, अलग से मिलेगी मैम राहत? कम से कम अलग तो मांगा है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं मजबूर है और माननीय प्रधानमंत्री से माननीय मुख्यमंत्री जी की कल बात हो रही है, मुसीबत देर में नहीं है। जी मैं सिर्फ एक ही लाइन में अपनी बात खत्म करूंगा कि आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से मैं तमाम राजनीतिक दलों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की बजाय किसान के साथ एकजुट होकर खड़ा हो जाए, हमारे प्रति अपनी हमदर्दी जताए और हर संभव जो प्रयास हो सकता है वो हमारे हित में कराने का काम करे। चलिए इंडियन नेशनल लोकदल आपके साथ खड़ी है, दुख सुख में आपके पास खड़ी है। बेहद शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसा गंभीर और संवेदनशील मुद्दा। चलिए बेहद शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, देर ना हो जाए, कहीं यकीनन देर ना हो जाए, इसलिए सरकार को जागने की जरूरत है और इस अहम मुद्दे पर जल्द कार्रवाई हो इसकी उम्मीद हम करते हैं। और किसानों से एक बार फिर से, सभी किसान भाइयों से ये दोबारा कहना चाहेंगे कि आपकी जिंदगी बेहद कीमती है, आत्महत्या के राह पर ना चलें। मुसीबतें आई हैं, मुश्किलें हैं, तो ये दौर भी जिंदगी का टल जाएगा। लेकिन एक बात और कहूंगी,
अपने मुद्दों को लेकर, अपने को लेकर राजनीति ना होने दें और राजनीति का शिकार होने से बच जाएं। वक्त है कि अब आप जागें, आपकी आवाज बनकर हम आपके साथ हैं। लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।